बिहार को बदनाम करने के लिए बिहार के नेता ही सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह ठेका ले रखा है कि चूंकि हम सरकार में नहीं है इसलिए बिहार को बदनाम करें। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि अविलंब भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के जबान पर रोक लगाएं जो एनसीआरबी के डाटा को भी गलत। सराय में सरयाम सीरियल फायरिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जंगल राज आ चुका है, कानून बिल्कुल तरह से ध्वस्त हो चुका है। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति के चंगुल में जा फंसे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसको लेकर अब हम पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय गिरिराज मंत्री बयान दे रहे हैं ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि बेगूसराय में जो भी घटना हुई है उस पर कार्रवाई चल रही है। निश्चित तौर पर अपराधियों को दंड जरूर मिलेगा, लेकिन गिरिराज सिंह जो बयान दे रहे हैं ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधी घटना को अंजाम देते हैं उसको उन्होंने क्यों नहीं गिनवाया। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान का। देखिए, बेगूसराय गोलीकांड की घटना निस्संदेह निंदनीय है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अपराधी ने आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है और सरकार उसके ऊपर में कार्रवाई कर रही है, अविलंब उसकी गिरफ्तारी होगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन सरकार के ऊपर में तोहमत लगा रहा है और माननीय गिरिराज सिंह जी ने जिस तरीके की बातचीत करी है तो यह भी निंदनीय है। अगर बढ़ते हुए अपराध को लेकर के बिहार सरकार के ऊपर में गिरिराज सिंह सवाल उठा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मसले पर क्यों खामोश है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है, तो अगर अपराध को लेकर के बिहार में जंगल राज, राक्षस राज, पता नहीं किस किस तरीके की संज्ञा दी जा रही है तो उत्तर प्रदेश के मसले पर ये लोग खामोश क्यों हो जाते हैं। जब देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है तो सही मायने में जंगल राज कहिए, राक्षसी राज कहिए, ये तो उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर के कहा जाना चाहिए था। लेकिन बिहार को बदनाम करने के लिए बिहार के नेता ही सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह ठेका ले रखा है कि चूंकि हम सरकार में नहीं है इसलिए बिहार को बदनाम करें। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि अविलंब भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के जबान पर रोक लगाएं जो एनसीआरबी के डाटा को भी गलत बता रहे हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि जिस तरह से बेगूसराय में अपराधियों ने जो अंजाम दिया है इसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बिहार में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटना का अंजाम आगे क्या होगा, ये तो भविष्य के घर में है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।